नमस्कार दर्शकों, हम लोग इस वक्त मौजूद है दिल्ली और गुरुग्राम के एक्सप्रेस वे, जो द्वारका एक्सप्रेस वे के नाम से कहलाता है। और अभी जस्ट ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दल बल के साथ में उद्घाटन करने पहुंचे हैं, और आप काफ़ी संख्या में यहां पर भाजपा कार्यकर्ता देखेंगे। इस प्रकार से पूरा भाजपा कार्यकर्ता है और तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ यहाँ मौजूद हैं। पूरा चौकस प्रबंध है यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक्सप्रेस वे के जो उद्घाटन है उसको आप साफ लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और संघ प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ में धर्मेंद्र भैया जी हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता है विधानसभा में भी, क्षेत्र में भी। क्या कुछ कार्यक्रम है थोड़ा आज के द्वारका एक्सप्रेस वे हमारे मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, और उसमें हमको जाने का सौभाग्य मिला। हमारे मंडल की तरफ से जो बन जा रही है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का, और मोदी जी इसी तरह कार्य करते रहें और पूरा देश का जो काम हो रहा है हम चाहते हैं कि मोदी जी इसी तरह देश का कल्याण करते रहें और देश का नाम ऊंचा रहे, और इसी तरीके से विकास भारत जो एक लक्ष्य लेके चले थे वो विकास की प्रगति पे चल रहा है और इसी तरीके से आगे बढ़े देश हमारा। भारत माता की जय। मैं गिरीश श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष वार्ड 49। आज मैं और मेरी टीम के सभी पदाधिकारी व हमारे जिले के कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी व हमारे प्रत्याशी अशोक बिरला जी, हमारे भाई नीरज ठाकुर जी, हमारे सभी कार्यकर्तागण सभी मोदी जी के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल का हिस्सा ले रहे हैं, और सभी इस समय मोदी जी के लिए समय निकालकर मोदी जी के उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं। धन्यवाद। नीरज ठाकुर जी हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप पे शीर्ष नेतृत्व ने काफ़ी विश्वास जताया जी। आज के प्रोग्राम के बारे में नमस्कार साथियों, आज हम लोग जा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, और हम उनके अभिवादन के लिए, जैसे आप देख सकते हैं पूरी बस में आप देख रहे हैं कितना उत्साह और इतने खुशी का माहौल है, सब लोग जा रहे हैं। जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार दिन ब दिन अच्छे कार्य की लड़ियां लगाई हुई है, हमेशा रोजाना कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में माननीय नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करते हैं, कभी किसी एम्स का, कभी किसी हाईवे का, तो ये माहौल बहुत अच्छा है। और हम पूरी मंगोलपुर विधानसभा से आप देख सकते हैं कि पूरी मंगोलपुर विधानसभा की वार्ड 49 के मंडल अध्यक्ष भाई गिरीश श्रीवास्तव जी, हमारे प्रत्याशी अशोक बिरला जी और सभी पूरी मंडल की टीम और हमारी महिला शक्ति सभी साथ में आप जा रही है, आप देख सकते हैं।